आज मैं आपको वर्मीसिली का इस्तेमाल करके एक ऐसा चटपटा और नया नाश्ता बनाना बताऊंगी जो कि सुबह और दोपहर की चाय के साथ ना आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है। इसमें सबसे पहले हम एक प्याज डाल देते हैं। ये मीडियम साइज का प्याज है, इसको हम इस तरह से काट लेते हैं और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो इधर से निकाल लेते हैं और बड़ा बड़ा काट के इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे कच्चा आलू भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो लौकी भी इसमें डाल सकते हैं। अभी मैंने 3 लहसुन की कलियाँ ली है, ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा लहसुन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे हींग डाल सकते हैं। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने रफली काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और लगभग आधा इंच जितना मैंने अदरक का टुकड़ा लिया जिसको बड़ा बड़ा ये मैंने काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और सबको एक बार हम पीस लेते हैं। अभी इसको खोल के देख लेते हैं। इस तरह से पीस के तैयार हो गया है, पर हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। और इसका स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम आधा कप जितना दही डाल देते हैं। यदि आप दही नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर पानी डाल सकते हैं। अभी इसको खोल के देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी पूरा पेस्ट स्मूथ हो गया है। इस तरह से स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से पीस गई है। अब जो हमने पीस के तैयार किया है वो मेजरिंग कप में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी चीज़ें हमारे को मेजर करके डालनी है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मिक्सी का जार भी साफ़ हो जाएगा। ये कुल मिला के हमारे 1 कप हो गया है। इस तरह से आपको 1 कप बना करके तैयार करना है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और एक पैन लिया है। पैन के अंदर सबसे पहले हम आधा कप जितना वर्मीसिली डाल देते हैं। ये मैंने मोटी वाली वर्मीसिली का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पतली वाली वर्मीसिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह की वर्मीसिली मार्केट में आराम से मिल जाती है। पतली वाली वर्मीसिली को आपको पकाने में कम टाइम लगेगा और ये थोड़ी सी मोटी होती है तो इसको थोड़ा पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसको 2 मिनट लगता है तो इसको 3 मिनट लगेगा। इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं सुखाई सेक करके तैयार करूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी या तेल भी डाल सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। आँच को हमें धीरे ही रखना है, स्लो और मीडियम आँच में सेक करके तैयार करना है। ज़्यादा तेज आँच में नहीं सेकें और कंटिन्यू चलाते रहें जिससे कि एक जैसे सिक्के तैयार हों। जब तक हमारी वर्मीसिली सिक रही है तब तक हमने एक बाउल लिया है और उसमें 1 कप जितना बेसन डाल देते हैं। ये मैंने महीन वाला बेसन लिया जो कि हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं और बन के बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होता है। और इसी के साथ इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमने जो पीस करके घोल बनाया है उसको डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जिससे कि लम्स नहीं पड़े। ये पूरा हमने इसमें डाल दिया है। इस घोल की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे तो इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। अभी इसी कप में हम पानी डाल देंगे जिससे कप भी साफ़ हो जाएगा। पानी भी मेजरमेंट करके ये हमें डालना है। तो 1 कप पानी लिया मैंने, ये पहले इसमें डाल देते हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पर मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने घर में जिस बाउल से बेसन लेते हैं उसी के नाप से आपको पानी डालना है। ये मैंने 1 कप पानी और डाल दिया है। अभी मैंने 3/4 कप जितना पानी लिया है, यानी 1/4 कप पानी लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। पानी का नाप का आपको बराबर ध्यान रखना है। तो 1 कप बेसन लेते हैं तो 2/3 कप इसमें पानी डालना है कुल मिला के। जब तक हमने घोल बनाकर तैयार किया तब तक हमारी वर्मीसिली भी अच्छे से सिक गई है। ये हमें धीरे धीरे आँच में सेक करके तैयार किया है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है, लाइट गोल्डन कलर आ गया। इसको इतना ही हमें सेक करके तैयार करना है। अभी जो हमने बेसन का घोल बना करके रखा था इसको एक बार इस तरह चला देते हैं। क्या बहुत बार ऐसा होता है कि बेसन नीचे बैठ जाता है, चला करके उसके बाद में डालें। अभी हमने पूरे घोल को इसमें डाल दिया है और आँच को हम स्लो और मीडियम के बीच में रखेंगे, तेज आँच में नहीं पकाएं। इसे पकाने के लिए मैं भारी पैंदे का पैन यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी हो सके तो भारी पैंदे का पैन यूज़ करें, चाहे आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, पर भारी पैंदे क्यों होने चाहिए जिससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। नहीं तो क्या पतला पैंदा होगा तो उसमें चिपकने लग जाएगा। जैसे जैसे बेसन पकेगा इसके अंदर जो वर्मीसिली हमने डाली है वो भी पक जाएगी और धीरे धीरे घोल भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। पर आप चलाना नहीं छोड़ें, चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपक जाएंगे। धीरे धीरे आप चलाते रहें इस तरह। अभी धीरे धीरे हमारा घोल गाढ़ा होने लग गया है। आँच को मैंने बहुत धीरे रखा है, धीरे धीरे आँच में पका रहा है। जैसे बेसन बहुत अच्छा पकेगा, तेज आँच में जल्दी पक जाएगा, पर यह वर्मीसिली भी अच्छे से नहीं पकेगी और बेसन भी अच्छे से नहीं पकेगा। बेसन भी जगह जगह से कच्चा रह जाएगा, फिर उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अभी आप देख पा रहे हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब थोड़ा सा हम लेट के ऊपर इस तरह से लगा करके देख लेते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि अच्छे से पक के तैयार हुआ है
या नहीं है, क्योंकि कढ़ाई तो ये छोड़ना चालू कर दिया इसने तो अच्छे से पक गया है। अच्छे से पक जाता है तो कढ़ाई छोड़ने लग जाता है। अभी इसको हमने ठंडा कर लिया है, ठंडा करने के बाद में आप इस तरह से निकाल के देख लेंगे कि आराम से निकल रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट बन के तैयार होगा और ये अच्छा बन करके तैयार हुआ, पूरा अच्छे से पक गया है। इस तरह से आप देख लें। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी हमने एक केक टिन लिया है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, और इसको हम इसके अंदर निकाल देते हैं, इजीलिए इसके अंदर निकल जाएगा। आप चाहे थाली में भी जमा करके तैयार कर सकते हैं, थाली में भी ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। और सबको अच्छे से फैला देते हैं, इसको ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे, थोड़ा मोटा ही रखें। और अभी हमने एक बाउल लिया है उसके ऊपर तेल लगा दिया है, इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं जिससे कि एक जैसा स्मूथ हो जाएगा, ऊपर से दिखने में अच्छा लगेगा। आप देख पा रहे बहुत ही स्मूथ हो गए, इस तरह से स्मूथ बना करके आप तैयार कर लें और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी आधा घंटे में लगभग ये पूरा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में आप इसे निकालें, गरम गरम को नहीं निकालें। ठंडा होने के बाद में आप देख पा रहे साइड से ये छोड़ने भी लग गए हैं, ये साइड छोड़ने लग जाता है इस तरह से, और परफेक्ट पका हुआ इसलिए आराम से निकल जाता है। वैसे तो इसने साइड छोड़ दिया है, थोड़ा सा इस तरह से चाकू को चला देते हैं इसके अंदर जिससे इजीली निकल जाएगा, कहीं से चिपका हुआ नहीं रहता है। चारों तरफ से इस तरह से छुड़ा लें और इसको इस तरह से रख करके एक प्लेट इसके ऊपर रख देते हैं और इसे इस तरह से टैप करेंगे। टैप करने से आराम से निकल जाता है, आप देख पा रहे इजीली ये निकल गए और बहुत ही अच्छा जम गया है। अभी इसको हम काट करके तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर के अंदर इसे चाकू चला देते हैं, आप देख पा रहे स्मूथ ही चाकू चल रहा है, बहुत इजीली कट करके तैयार हो जाता है। इसको अभी हम लंबा लंबा काट करके तैयार करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप कमेंट ज़रूर किया करें जिससे कि हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना स्मूथली कट के तैयार हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने पोषण डाले हैं वो एकदम परफेक्ट है। यदि पानी की मात्रा थोड़ी भी ज़्यादा रह जाएगी तो गीला रह जाएगा, फिर परफेक्ट नहीं बनेगा। ये मैंने लंबा लंबा काट के तैयार किया है जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने के समय भी आसानी रहती है। आप चाहे तो छोटा छोटा भी काट करके तैयार कर सकते हैं। बिसाइड में हमारा तेल गर्म हो गया है, एक एक करके इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि पके हुए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, पर मैं इसको हल्का सा सैलो फ्राई करके बनाती हूँ जिससे इसके बाद एक हल्की सी क्रिस्पी लेयर आ जाती है जिस कारण से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसके अंदर जो हमने प्रपोशन बताया है उसका बराबर फॉलो करना ज़रूरी है। यदि आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो बराबर बन के तैयार नहीं होगा, इसके अंदर बीच में क्रैक्स रह जाएंगे, क्रैक्स के कारण से तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे हमने स्मूथली बनाया है जिस कारण से इसके बाहर में बहुत ही अच्छी क्रिस्पी लेयर आ जाएगी, तेल इसके अंदर तक नहीं जाएगा। जो जो क्रिस्पी हो जाते हैं उसको आप निकालते रहें। देखिए ये दो क्रिस्पी हो गए हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये चारों तरफ से इसका बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। अभी आप देख पा रहे हैं सभी का अच्छा कलर आ गया है। इस तरह से कलर आ जाता है तो उसके बाद में आप निकाल लें इसे, ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होते हैं और दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह के नाश्ते की खासियत यह है, इसके बाहर एक क्रिस्पी लेयर तो होती है पर इसके अंदर जो हमने सिवई ऐड की है वो फ्राई होने के बाद में हल्की सी क्रंची हो जाती है, और ये जो क्रिस्पी और क्रंची का कॉम्बिनेशन है उसके कारण से नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपने देखा कि हमने बहुत ही कम सामग्री का इस्तेमाल किया है पर यह बनकर के इतना यूनिक तैयार हुआ है कि आप किसी को भी सर्व करेंगे तो आपको ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस तरह से बना करके तैयार किया। और यदि आप नाप का ही बराबर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा तेल को भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो आप भी अपने घर में ये बेसन और सिवई का नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।